अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हाँ, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड गरम मसाला। बाज़ार से बहुत ही महंगा मिलता है और अच्छा भी नहीं होता है, सब चीज़ें उसमें ऐड नहीं होती हैं। आप सब जानते हैं कि गरम मसाला जो है हमारे खानों की शान है। हमारे खानों में जो बादशाह है मसाला, जो मसालों का बादशाह है वो गर्म मसाला है। तो आज मैं आपको घर पर गर्म मसाला बनाना सिखाऊँगी, जिसे आप 3-4 माह तक घर पे स्टोर करके रख सकते हैं और अपने खानों में डाल के अपने खानों का जायका बढ़ा सकते हैं। इसमें इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सूखा धनिया, ये मैंने 2 चम्मच लिया है। 2 चम्मच सूखा धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने 2 चम्मच ही काली मिर्च ली है साबुत वाली, वो ले लेंगे। इसके बाद मैंने 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 चम्मच काला ज़ीरा लिया है, 1.5 चम्मच ये दोनों हम ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास 1.5 चम्मच सौंफ है, वो ले लेंगे। और उसके साथ 1 जावित्री है, वो ले लेंगे। जावित्री खुशबू को ज़्यादा बढ़ाएगी। 6-7 अदद मैंने मोटे वाली इलायची ले ली है, 10 अदद मैंने छोटी इलायची ले ली है और 1.5 चम्मच मैंने बादियान का फूल ले लिया, ये भी ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच मैंने लौंग लिया है, ये भी ऐड कर लेंगे। सौंठ मैंने लिया है 1.5 चम्मच। 4 से 5 अदद मैंने लिया है तेज़पात और 4 से 5 अदद ही लिया है दालचीनी, ये ऐड कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अब थोड़ी देर के लिए हम रोस्ट करेंगे ताकि इनके अंदर जो नमी है वो निकल जाए, ताकि हमारा गर्म मसाला ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर हो सके और उसकी जो खुशबू है वो भी बढ़ जाए। तो अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करते हैं। इसको हम हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पे इसलिए ताकि ये सारे मसाले जले भी ना और ये पक जाए और इनकी खुशबू जो है वो भी बरकरार रहे और इनके अंदर जो नमी है वो नमी निकल जाए, ताकि ये ज़्यादा टाइम के लिए हम स्टोर कर सकें और ख़राब ना हो। इसको हल्की आंच पे रोस्ट करना है आपने, एक तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। रोस्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा हाथ वाली जो लंगड़ी होती है उसमें कूट लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर इसे ग्राइंडर में डालेंगे ना तो फिर ग्राइंडर इसको सही तरीके से ग्राइंड नहीं कर पाएगा। जैसे दालचीनी इसमें सख्त है, सौंठ इसमें सख्त है, इस तरह की चीज़ है। ये तेज़पात, दालचीनी, सौंठ, इलायची वगैरह जो सख्त चीज़ें थी ना, उनको मैंने छोटा छोटा तोड़ के तो हाथ वाली लंगड़ी में डाल ली। अभी मैं इसको पहले हाथों से पीट लूँगी, उसके बाद ग्राइंडर में डालूँगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं ग्राइंडर में डालती तो इन्होंने फिर नहीं था बारीक होना। तो इसको पहले मैं पीस लूँगी, उसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। तो पहले मैं इसको पीस लेती हूँ। ये मैंने इसको पीस लिया हाथों से, ये बहुत सख्त होती है, ख़ासकर जो सौंठ होती है वो बहुत सख्त होती है, इसलिए इसको पीसना ज़रूरी होता है। अभी इसको ग्राइंडर में डालते हैं सारे मसाले को, इसको भी जो हमने पीसा है और ये जो बाकी का है, सारे को ग्राइंडर में डाल के तो इसको ग्राइंड करते हैं। इसको ग्राइंडर में डालेंगे। अब ये वाला जो हमारे पास मसाला है इसको भी ग्राइंडर में इसके साथ ही डाल देंगे। सारे का सारा मसाला ग्राइंडर में डाल दिया, अभी इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमारा गरम मसाला ग्राइंड हो चुका है, इसको आप 3-4 महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों गरम मसाला हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे किसी जार के अंदर स्टोर करके रख लीजिए और अपने खानों में इस्तेमाल कीजिए। घर में बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा लगा है। इंशाल्लाह ताला ये जब आप अपने खाना में इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके खाने इतने टेस्टी, इतने लजीज और मज़ेदार होंगे कि आपने मुझे दुआएं देनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गरम मसाला जब आपने घर पे बनाया तो कैसा लगा।